नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। कोरोना महामारी के चलते संसद का शीतकालीन सत्र रद्द करना पड़ा। कुछ राज्यों ने बच्चों के स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है, जबकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन देना है इस पर कोई फैसला नहीं किया गया। पंजाब और उड़ीसा ने ज्यादा जल्दबाजी में अपने स्तर पर निर्णय लिया है। चाहिए तो ये था जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो अभिभावक ये खतरा उठाने को तैयार हैं? कुछ राज्यों ने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ विचार विमर्श कर फैसला ले लिया। सरकार की नीति इस बारे में स्पष्ट होनी चाहिए ताकि बाद में एक दूसरे पर दोषारोपण ना हो। अभी ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब मंत्री, सांसद और विधायक अपना इलाज कराने सरकारी खर्चे पर विदेश जाते हैं। क्या इनको अपने देश के डॉक्टर्स पर या इनकी क्षमता पर भरोसा नहीं है? पूछा जाए तो शायद ही ऐसा शपथ पत्र कोई माननीय देगा कि वो अपना इलाज देश में ही कराएंगे। फिर छोटे बच्चों के अभिभावक भले ही पांचवी में पढ़ने वाले बच्चे हों, स्कूल भेजने का जोखिम नहीं लेंगे। स्कूलों का सत्र खत्म होने वाला है, इसको बीत जाना चाहिए था। नए सत्र से अभिभावकों के साथ मीटिंग करके कोई फैसला लेना चाहिए। सरकार ने भी माना है बर्ड फ्लू से भी इंसानों को खतरा है, इस स्थिति से निपटने के बाद ही कोई फैसला लेना उचित हो। मुर्गी पालन कारोबार से लाखों लोग जुड़े हैं। लॉकडाउन के बाद अभी ये व्यवसाय पूरी तरह से उभर भी नहीं पाया है। ना जाने कितने मुर्गी फार्म बंद हो गए, भारी आर्थिक नुकसान भी खूब हुआ। कोरोना हो या बर्ड फ्लू या फिर पांचवी से स्कूल खोलने का फैसला, जो भी हो देश हित में होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।